नेक्स्ट है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, उसके अंदर तीन केसेस हैं, पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा केस है पैरेलल लाइन, पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा केस है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा केस है नॉन इंटरसेक्टिंग, तो तीसरा कौन है, तीसरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है, वो स्पेशल कंडीशन है, तो वो स्पेशल वाला भी अपन देख लेंगे। ओके तो पहला देखते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन में खास बात क्या होती है, यू विल गेट अ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पुट x इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा एंड y इज इक्वल टू वी प्लस बीटा, पुट x इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू वी प्लस बीटा। अब समझना, x वेरिएबल है, u वेरिएबल है, अल्फा फिक्स है, y वेरिएबल है, v वेरिएबल है, बीटा फिक्स है, अल्फा बीटा कौन है, अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको सेटिस्फाई करेगा, ए टू अल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अल्फा बीटा यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है, तो सब्स्टिट्यूट डी एक्स हो जाएगा डी यू, डी वाई हो जाएगी डी वी। अच्छा ये दिमाग में मत बिठा लेना कि हर चीज डी वाई बाई डी एक्स चलती है, हर चीज डी वाई बाई डी एक्स चलेगी, ये दिमाग में मत बिठा लेना, कभी कभी डी एक्स अपॉन डी वाई में भी चीजें चलेंगी, तो ये भी सोचते रहना पड़ेगा तुम्हें, डी एक्स अपॉन डी वाई में भी चलेगी, फर्क क्या आएगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो तुम्हें ये भी सोचना होगा डी एक्स अपॉन डी वाई सब्स्टिट्यूट, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन यू प्लस अल्फा प्लस बी वन बी प्लस बीटा प्लस सी वन अपॉन ए टू यू प्लस अल्फा प्लस बी टू बी प्लस बीटा प्लस सी टू। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अलग करेंगे तो ए वन यू प्लस बी वन बी अपॉन ए टू यू प्लस बी टू बी, और बचेगा क्या, ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन, वो तो जीरो है, ए टू अल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू, वो भी जीरो है, तो ये आ गया। अब ये कौन है, ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप थ्री, एक झोल हो गया, ये यू वी में चल रहा है ना, ये डी यू बाई डी वी होगा, डी यू बाई डी वी होगा, तो अब ये चीज किस में आ गई, यू और वी में आ गई। तो समझना, जब डी वाई बाई डी एक्स था तो पुट क्या करते थे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो जब यू और वी में चल रही है, अरे यार ये डी वी अपॉन डी यू है, डी वी अपॉन डी यू है वाई वी और एक्स यू है ना, तो डी वी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वी अपॉन डी यू। नेक्स्ट, तो जब डी वाई बाई डी एक्स थी तो हम लोग पुट करते थे वाई इज इक्वल टू वी एक्स, लेकिन जब v और u है तो हम क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू टी यू, मतलब y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब v और u में चल रही है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इज इक्वल टू टी यू, तो अब चीजें किस में आ जाएंगी, t और u में आ जाएंगी, और प्रीवियस क्वेश्चंस है ना, बहुत लेंदी है ये। तो दूसरा केस कौन सा, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग कौन होती है, पैरेलल, पैरेलल तो बहुत ही इजी केस है, बहुत ही इजी केस है, कैसे, x और y का जो टर्म है उसी को t रख दो, लेकिन कोफिशिएंट सेम बना लेना, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, पर ये पैरेलल जरूर है लेकिन कोफिशिएंट सेम नहीं हुआ, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे चाहे तो, फिर 2x प्लस 3y को t रख दो, ये चला जाएगा टाइप 1 में, 2x प्लस 3y को t रख दो तो ये चला जाएगा टाइप 1 में। थर्ड केस स्पेशल केस है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए हैं, कैसे हैं, इसमें स्पेशल क्या है, इन दोनों का एडिशन जीरो है, इन दोनों का एडिशन जीरो है। अब ये क्यों जरूरी है, उन दोनों का एडिशन जीरो, तो समझना, ये रहा देखो, टू माइनस टू एडिशन जीरो है, तो ये इसी पे काम करेगी, क्यों काम करेगी देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस टू वाई डी एक्स प्लस फाइव डी एक्स। अब हुआ क्या, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, फंसे कौन, वही दोनों, और वो क्यों फंसे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेंड एक्स के टर्म्स में और इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा मत मान लेना एक्स इज कॉन्स्टेंट, क्या है, क्योंकि वाई तो एक्स पर डिपेंड कर ही रही है, वाई तो फंक्शन है एक्स की, तो एक्स वाई पर डिपेंड तो कर ही रही है, तो ये दोनों फंस गए। अब गजब की बात क्या है कि दोनों का एडिशन जीरो क्यों, क्योंकि ये उछल के इधर जब आएगा माइनस टाइम्स, तो ये टू टाइम्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी ये किसी की डेरिवेटिव लिखी होगी, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई, और ये इंटीग्रेबल है,
वो चला गया टाइप वन वेरिएबल सेपरेबल। तो क्वेश्चन बन जाएगा टू डी एक्स टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस फाइव डी एक्स। टाइप वन टाइप वन टाइप वन टाइप वन टाइप वन। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। ये जस्ट इसकी वजह से हो पाया क्योंकि दोनों का एडिशन जीरो। तो इट्स वेरी स्पेशल कंडीशन। टाइप फाइव टाइप फाइव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड में ही कुछ छुपा हुआ है। लीनियर लीनियर का मतलब होता है सारे डेरिवेटिव्स की पावर वन होगी, सारे डेरिवेटिव्स की पावर वन होगी। तो कैसे दिखेगी ये? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर वन, एन माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर वन, ऐसे करते करते डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन, एंड दे विल मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल ऑफ एक्स, दे विल मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल ऑफ एक्स। तो ए नॉट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। nth ऑर्डर क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव nth है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और लीनियर क्यों? क्योंकि सबकी पावर वन है। नेक्स्ट, अगर ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री वन होगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जिसकी डिग्री वन है वो nth ऑर्डर, जिसकी डिग्री वन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल डी टू वाई बाई डी एक्स का प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसकी ऑर्डर टू है, डिग्री वन है, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी पावर थ्री है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमारे सिलेबस में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ही आएगा। तो कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में अप्रोच क्या होती है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन बनाओ, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन बनाओ। कैसे बनाएंगे? डिवाइड कर दो। कैसे बनाएंगे? डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका कोफिशियंट वन बनाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन बनाएंगे। तो फॉर्मेट कैसे होगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो जैसे ये बन गई तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 500% है। नेक्स्ट, कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करेगा तो तुम्हें कैसे समझेगा, जिस वेरिएबल की बना रहे हैं उसकी पावर वन होगी। तो अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो काफी हद तक निकल जाता है, पर अगर नहीं है तो फिर वो टाइप 6 में चला जाएगा, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स पर, तो डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव बना रहे हो तो वाई की पावर वन होगी, डी वाई बाई डी एक्स बना रहे हो तो वाई की पावर वन होगी। लेकिन अगर वाई की पावर वन नहीं दिख रही है तो इसके दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है एक्स की पावर वन हो, तो हो सकता है डी एक्स अपॉन डी वाई की बन रही हो। दूसरी चीज पॉसिबल है टाइप 6, वो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, तो सॉल्व कैसे करते हैं? दो स्टेप है। पहला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं? ई रेस टू वाई के आगे जो लिखा है, वाई के आगे जो लिखा है माइनस से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस भी है तो भी उसको लेके चलना है, तो माइ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन में सी नहीं आता, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा समझा देता हूँ, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई रेस टू इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई डैश प्लस पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब होगा क्या, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा है, ये किसी का डेरिवेटिव लिखा है, किसका डेरिवेटिव लिखा है देखो, ये फर्स्ट को रोका सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को रोका फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव लिखा है, और राइट साइड में आ गई q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल में चला गया क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेट हो सकता है, टाइप 1 में चला जाएगा। तो ये तो प्रूफ है, पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो रिजल्ट बता देता हूँ तुम्हें। तो पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पी एक्स डी एक्स, तो आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन। ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखो y की पावर वन है ना,
पर डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x sin x plus cos x is equal to 1, तो इसको डिवाइड करेंगे x cos x से, x cos x से डिवाइड करेंगे इसको, है ना, क्योंकि मेरे को डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब इसको लिखेंगे तमीज से, तो डी बाई डी एक्स प्लस, तो ये हो जाएगी 10x plus 1 by x into y is equal to 1 by x sec x. तो देखो dy by dx plus p of x into y is equal to q of x. Now I am sure linear differential equation answer integrating factor निकलेगा पहले. कभी कभी क्वेश्चन से इतना भी आ जाता है find the integrating factor. तो integrating factor e raised to integral y के आगे जो लिखा है minus भी होगा ना तो उसको भी लेना पड़ेगा. ये होगा 10x plus 1 by x. तो 10x का integration ln sec x. ln 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, log की प्रॉपर्टी e raise to ln of x sec x, x into sec x, log की प्रॉपर्टी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, दोनों का बेस सेम है, log का कोएफिशिएंट 1 है, नंबर नीचे आ जाएगा x sec x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया x sec x. आंसर आंसर y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x x कैंसिल sec स्क्वायर x लविंग इंटीग्रल x y sec x is equal to sec square x plus c हमेशा लास्ट लाइन में लिखने का, पूरा इंटीग्रेट होने के बाद ही लिखते हैं. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, तुम्हें अगर अगला कंफ्यूज किया जाएगा तो वो हो सकती है dx upon dy की LDEO, dx upon dy की LDEO, तो बस करना क्या है y की जगह x, x की जगह y, बाकी सब कुछ सेम. तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ. यहाँ पे देखो y फंसा हुआ है, अगर y फंसा हुआ है तो मैं dy by dx की ld तो सोचूंगा नहीं, लेकिन x की पावर 1 है, अब मैं dx upon dy की तो सोचूंगा, यानी अगर वो काम नहीं करी तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा. तो रेसिप्रोकल, तो dx upon dy is equal to x cos y plus sin 2y, तमीज से dx upon dy minus cos y into x is equal to sin 2y, बन गई टाइप 5 एल डी पर डी एक्स डी वाई की बनी है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस कॉस वाई डी वाई आएगा, क्योंकि पूरा एक्स का कोफिशिएंट लेगा वो, ई रेस टू कॉस वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन वाई होता है. तो आंसर डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन, पहले साइन वाई को टी रख दो तो इसके अंदर कॉस वाई बैठी हुई है वो चली जाएगी डी टी में, यह आएगा टी इंटू ई रेस टू माइनस टी, टी इंटू ई रेस टू माइनस टी, उस पर लगा दो बर्नौली, बर्नौली मतलब सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव इंटीग्रेशन मतलब एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरी को इंटीग्रेट करेंगे और अल्टरनेट साइन चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 6. टाइप सिक्स है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही फंडा जैसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, उसी तरह से रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, इसको बर्नौलीज भी बोलते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेज टू एन. तो इस बार पंगा क्या हो गया, ना तो एक्स घूम रहा है ना अकेला वाई घूम रहा है, तो ये एक लेवल आगे निकल गई. तो फंडा क्या है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ एक्स होनी चाहिए, तो इसको जाना पड़ेगा, तो ये y रेज़ टू n और ये y रेज़ टू n, पर अपने को पता है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और इधर y होना चाहिए, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये लिखी हुई है 1 अपॉन y रेज़ टू n माइनस 1, मतलब ये लिखा हुआ है y रेज़ टू माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू q ऑफ x. तो बस y रेज़ टू माइनस n प्लस 1 को t ले लो तो डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा माइनस n प्लस 1 इंटू y रेज़ टू माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स. ये पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एन, क्योंकि इसको फंक्शन ऑफ एक्स बनाना था, इसकी पावर एक बनानी थी तो टी भी आ गया, कोफिशिएंट 1 बना दो तो डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये बन गई एल डी. नेक्स्ट, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने जाओगे तो ये पूरा लगेगा, है ना, 1 माइनस एन इंटू पी एक्स पूरा लगेगा. ओके, नेक्स्ट है, तो ये चैप्टर हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में ऑर्डर डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरे पार्ट में छह टाइप्स पढ़े, छह टाइप की कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं,
बहुत ही सिंपल तरीका है, हमेशा फर्स्ट से लेके चालू करो। पहले फर्स्ट सोचो, सेकंड सोचो, थर्ड सोचो, फोर्थ सोचो, फिफ्थ सोचो, सिक्स्थ सोचो। अगर फर्स्ट काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी सेकंड, नहीं काम करी थर्ड, नहीं काम करी फोर्थ, नहीं काम करी तो फिफ्थ, नहीं काम करी तो सिक्स्थ, और नहीं काम करी तो देन यू हैव टू डिसाइड। ओके ओके, सो मिसलेनियस पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कई बार क्या होता है ऐसे रैंडम सब्स्टिट्यूशन भी करना होता है, तो रैंडम सब्स्टिट्यूट करके वो फिर किसी छे टाइप में से चली जाएगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पहला तरीका ऑब्जर्वेशन, दूसरा तरीका मैथमेटिकल तरीका, पर वो इंजीनियरिंग से चुराया हुआ है, तो वो इंजीनियरिंग से है लेकिन सिलेबस में नहीं है, पर अपने काम जितना आ जाए उतना यूज कर लेंगे अपन। नेक्स्ट तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ऑब्जर्वेशन ऐसा सोचो ये कैसे बन सकता है, तो देखो एक्स रुका है, वाई का डेरिवेटिव, वाई रुका है, एक्स का डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स वाई, फिर थोड़े और फंडे लगाता हूँ, तो ये लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सोचो नीचे है डिनोमीटर का स्क्वायर, यानी एक्स आएगा, नीचे है डिनोमीटर का स्क्वायर, ये डिनोमीटर को रोका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर को रोका डिनोमीटर का डेरिवेटिव, ये क्या हो गया वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव। तो थोड़ा ऐसा फंडे लगाने पड़ते हैं अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ऐसे सोचो जो डी में लिखा है वही नीचे लिखा है, ऐसा कौन करता है कि नीचे छोड़ दे लॉक, ऐसा लॉक करता है, तो डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई, डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब जैसे नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये ऊपर लिखी हुई है डी ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, तो ऐसे सोचो जो नीचे लिखा है वही छोड़ा हुआ है, तो ऐसा कौन करता है लॉक करता है, तो डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई। एक इंजीनियरिंग तरीका बता देता हूँ, तो वो जम गया तो ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाला मेथड क्या कहता है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, तुम ऐसे जबरदस्ती एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं डाल सकते, पहले उसे चेक करना पड़ेगा, जैसे वेव इक्वेशन में चेक करना पड़ता है कि वो वेव इक्वेशन है कि नहीं, तो उसी तरह से अपने को यहाँ पे भी चेक करना होता है, थोड़ा बहुत आता है मुझे भी, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो पहले चेक करो कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो पहले चेक करो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, डी एक्स के आगे जो लिखा है उसका नाम है एम, और डी वाई के आगे जो लिखा है उसका नाम है एन, तो चेक करेंगे डेल एम बाई डेल वाई, अभी डेल का है यूज किया, दो चल रहे हैं एक्स और वाई, तो दो चल रहे हैं उसके लिए, तो एक्स को कॉन्स्टेंट मान के वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स, याद करना भी आसान है, एम वाली एक्स के साथ है वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एन वाली वाई के साथ है एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब वो किसी की डेरिवेटिव लिखी हुई है डायरेक्टली ऐसा। तो एक एग्जाम्पल से भी करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको तमीज से लिखो, तो ये आएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वन अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसका m कितना हो गया माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, एन कितना हो गया वन बाई एक्स, तो डेल m बाय डेल y, y कॉन्स्टेंट नहीं है वेरिएबल है, x कॉन्स्टेंट है, तो डेल m बाय डेल y, तो x को कॉन्स्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, y का डेरिवेटिव वन है ना, अब डेल n बाय डेल x तो ये आएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर आ गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब नेक्स्ट आता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे m का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन y को कांस्टेंट मान के, और माइनस n का इंटीग्रेशन x y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन n में वही टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है, नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। अब जैसे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अपने को पता है ये y बाय एक्स का डेरिवेटिव है, ये y बाय एक्स का है क्योंकि x स्क्वायर डिनोमिनेटर रुका है और न्यूमरेटर y हो जाएगी, तो ये y बाय एक्स का डेरिवेटिव है, ये अपने को पता है, तो इसको करते हैं, तो इसका m कितना है माइनस y बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस n जिसमें x नहीं है, पर ये n जो है इसमें x है तो इसको नहीं लेंगे, सपोज अगर ये होता वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस y होता तो अपन फिर सिर्फ y लेते हैं, वन बाई एक्स नहीं लेते हैं, तो इसमें कुछ नहीं लेंगे डी वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इसमें माइनस वाई बाहर आ जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स
तो वो हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया वाई बाई एक्स। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन कर्व्स। तो अगर दो कर्व दे रखे हैं तो टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है, टेंजेंट के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स। इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल दे आर नोन एज आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री, एंड इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो क्वेश्चन ये है एक फैमिली दे रखी है उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो। मतलब बोला क्या चाह रहा है, फैमिली दे रखी है मतलब फैमिली का मतलब होता है देयर इज अ कॉमन प्रॉपर्टी, उस कॉमन प्रॉपर्टी के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यानी वो भी एक फैमिली होगी जो इसके हर कर्व के साथ ऑर्थोगोनल होगी, तो उसका एक मेंबर इसके एक मेंबर के साथ में परपेंडिकुलर हो रहा होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो फैमिली दे रखी होगी यानी एक्स दे रखा होगा, वाई दे रखा होगा, पैरामीटर दे रखा होगा, तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स होगा, वाई होगा, डेरिवेटिव होगा, पैरामीटर होगा, पैरामीटर एलिमिनेट करना पड़ेगा तो एक्स होगा, वाई होगा, डेरिवेटिव होगा। ये बन गई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वही पिछला रिपीट हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर होती है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख देना माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई या फिर माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, है ना, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल पर फर्स्ट डेरिवेटिव में अपन ऐसा कर सकते हैं। तो वो कौन बन जाएगी, एक्स वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। ये कौन हो गई, ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे वो 6 टाइप से, तो जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर एक्स होगा, वाई होगा, फंक्शन और पैरामीटर होगा, तो ये बन जाएगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ये वाली पहली वाली फैमिली की ऑर्थोगोनल होगी, एंड द चैप्टर इज कंप्लीट।